वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। आप सभी का स्वागत है आज के इस हमारे नए ब्लॉग में। तो जैसे कि आप वीडियो में देख रहे होंगे कि अभी हम है अजमेर दरगाह शरीफ की जो मार्केट है, जो मेन रोड है जो कि दरगाह की तरफ जाता है, वहाँ पर तकरीबन जो हमारा होटल रहा होगा जहाँ पर हम स्टे कर रहे थे। अजमेर शरीफ दरगाह से हमारे जो होटल का सफ़र होगा वो सिर्फ आधे किलोमीटर जितना होगा, ज़्यादा नहीं होगा। तो जी, हम जो हमारे साथ आप एक भाई देख रहे होंगे जो कि वाइट कुर्ते में आगे जा रहे हैं, उनका नाम है आदिल चिश्ती, जिन्होंने हमें होटल से लेकर जो अजमेर शरीफ की जो अंदर की जो मज़ार है, जो दरगाह है, वहाँ तक का सब कुछ दिखाया है, सब कुछ दरगाह के बारे में हमें बताया है। आगे की वीडियो में मैं आपको वो भी सब दिखाऊँगा, जो इन्फॉर्मेशन देने जैसी होगी वो भी मैं आपको दूंगा। और इस वीडियो में नए हैं तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। दरबार का मेन गेट, इसको निजाम गेट कहते हैं। कौन सा गेट? निजाम गेट। ये दरबार का निजाम गेट, निजाम हैदराबाद, बादशाह के हैदराबाद के जो बादशाह थे ना, निजाम उनकी तरह। तो इसके अंदर जाते अलाउड नहीं है? जाते ना, इधर अपन दो नंबर से चले। अच्छा, भीड़ है, वापस निकलो जब इधर से निकलो। ठीक। दरबार में जाने के लिए 10 गेट है। अच्छा, हाँ, कितने दिन में अपलोड होगा? ये होगा 2-3 दिन के बाद, क्योंकि एक और कल का वीडियो पेंडिंग पड़ा है मेरा। एक फर्स्ट एपिसोड हो गया है, आबू गए थे हम लोग, वो वाला। ठीक, आदिल भाई ने बोला है यहाँ पर अपने शूज जमा करवा सकते हैं। जो ये अजमेर शरीफ की जो दरगाह है, जिन्होंने ये बनाई थी, उनका नाम था सूफी सैन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। जी हाँ, जिन्होंने 1236 में ये दरगाह बनवाई थी। जी हाँ, उसके बाद बहुत से रूलर भी आए थे यहाँ पर, लेकिन जब मोइनुद्दीन चिश्ती यहाँ पर आए थे तो इस्लामिक धर्म को स्टैब्लिश करने के साथ साथ वो धर्म को प्रीचिंग करवाने के लिए आए थे, मतलब कि जितना हो सके उतना फ्लो देने के लिए धर्म को, इस्लामिक धर्म को। फिर अंदर बंद कर देना, इनको एक एक चीज़ बता देना, ठीक है? ये हमारे बड़े भाई हैं, ये जा रहे हैं आपके साथ में अंदर, ठीक है? मोबाइल, पॉकेट, पर्स संभाल के रखना सब लोग, है ना? ध्यान से रखना बिल्कुल। मेन जहाँ मजार सिर्फ बनाओ ना बाबा जी का, वह अलाउ नहीं है, वह बंद कर लेना। यहाँ तो अलाउड है ना? ये अलाउड है, ये भाई बता देंगे आपको, ठीक है? इनका डे वगैरह सबके बारे में बता दें। आपका नाम क्या है? मुश्ताक नाम है। क्या है? मुश्ताक। मुश्ताक, ये हजी साहब का बड़ा देख है, इसमें एक टाइम 120 मन खाना बनता है। ये अकबर बादशाह का दिया हुआ और वो छोटा है, वो जहांगीर बादशाह का दिया हुआ सामने होगा पीछे, उसमें 80 मन बनता है। इसमें
खर्चा 1,10,000 रुपये आता बड़ी में, छोटी को बनाते हैं 80,000 से 90,000 रुपये खर्चा। ठीक है चले मुश्ताक भैया, मैं पूरा अजमेर दरगाह शरीफ दिखाने के लिए ले जा रहे। कब बना था? 99 अब मेरे को बोल देना कैमरा कहाँ बंद करना है, अभी करना है। खाजा साहब की तो बीवी है, इनका मजार यहीं पे है। यहाँ पर अगर वो चादर पेश कराना चाहता है तो भाई से कांटेक्ट करना पड़ता है, उसने कोई पेश कराता है, इनके सारे जो भी औजार यही संभालते हैं। ठीक है क्या है, अभी 4 तारीख से, मुहर्रम की 4 तारीख से 7 तारीख तक खुलेगा सिर्फ 12 घंटे के लिए। यहाँ पे लोग याद करते हैं बाबा गणेश शकर का है, बाबा फरीद का। ठीक है अंदर से यहाँ से आते हैं, अंदर जाके यहाँ से 12 के हाजिर करते हैं। ठीक है ये भी वो भाई साहब खड़े हैं वही संभालते पूरा है। ठीक है चले ठीक इसलिए इससे 7 तवाफ करने से 1 हज कंप्लीट होती है। अच्छा ठीक है, ये साल में 4 मरतबा खोला जाता है, इनके उर्स में हज आसमानी के उर्स में, ईद में, बकरा ईद में। ठीक है इसमें जब आप आएंगे नेक्स्ट टाइम जब भी हाँ ईद में बकरा ईद में तो खुला मिलेगा तो ज़्यादा कर सकते हैं, तब तो बहुत रश होता होगा ना। बहुत रश होता अंदर जाना मतलब मुश्किल होता होगा। अरे वीडियो कैसे रुकी है? हाँ के नवाब ने दिया था, पूरा गोल्ड है। किसने दिया था? रामपुर के नवाब ने, 80 साल की उम्र में उनको 9 बेटी के बाद में एक बेटा हुआ था, दरबार में आके उन्होंने पैदल आके वहाँ से चल के वहाँ से पीस करा। ये दिखा दो यहाँ, चलो चलो भाई आगे भेजो, बंद कर दो।